ऐसे में बीच में लेट जाते हैं। ये बताए मुझे कि आप जरा चुप रहे, आप बताए ये जो लगता है कि ऊपर को कहां को सवाल कर रहे हैं और सर झगड़ा करवा के खुश हो रहे होते हैं। इतना लेट जाता हूं मैं, देखो बड़े मजे ले रहे होते ना। कैसा रहा वैसे कामरा साहब तुझे? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, हस्बे हाल ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। ईद की खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज अपने इस ईद स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ दो खास मेहमानों के साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीजी और हमारे दानिश्वर। अच्छा फरीद साहब, ये हमारे आज जो शो के मेहमान हैं जी, एक तो ये इस हवाले से हैं कि फिल्म लग रही है जी, ये ईद पे जो फिल्म लग रही है, बल्कि लग गई है, लग गई है जी जी, हुए तो अजनबी जी, नहीं मैं अजनबी बिल्कुल भी नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, अब तो अपना हो गया आपका, आप तो हमारे हो गए। फिल्म का नाम जो है ना जी, हुए तो अजनबी, वो भी इंशाल्लाह लोगों की अपनी हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे तो कामरान शाह साहब एज जर्नलिस्ट आप सभी जानते हैं, अब तो इनको डायरेक्टर और राइटर के हवाले से भी लोग जानने लगे हैं, चूंकि मीडिया पे सब कुछ आ चुका है। हमारा भी मुस्तकबिल कोई रोल वगैरह मिल जाएगा कामरान साहब के साथ? नहीं, अभी तो लाइन लगी हुई है, अभी तो खुद भी वो हीरो महसूस करना शुरू हो गए अपने आप। किसी भी शो में हो मेरा ख्याल हीरो ही है कामरान। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं भी इनकी फिल्म का हिस्सा हूँ। वाह जी वाह। और मोहतरम मुजीब रहमान शामी साहब को इसलिए तकलीफ दी है कि एक तो हमारे शो की जरा इज्जत बढ़ जाएगी, ईद का शो जो है उसमें हम इन्हीं की तरह के जो स्टार्स और पब्लिक के फेवरेट लोग होते हैं उनको बुलाते हैं जी। तो शामी साहब के आने से तो हमारा शो तगड़ा हो जाएगा, बड़े एहसास की बात है जी। और दूसरा, इन्होंने वो फिल्म जो है ना जी उसको देखा भी है, जो वहां पे हमने शो किया था ना जी लाहौर में, जो फिल्म के हवाले से प्रेस शो जो किया था, उसमें शामी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी और ये भी तशरीफ लाए थे। तो सबसे पहले आप, मेरा ख्याल है कामरान शाहिद साहब से फिल्म के हवाले से जो पूछना चाहिए। जी कामरान साहब, वैसे कैसा तजुर्बा रहा आपका इस फिल्म का? यानी एक, हम तो आपको करंट अफेयर्स के एक बड़े दबंग अंदाज के होस्ट, और जैसे कहते हैं कि बड़े बेहतरीन अंदाज में आप करंट अफेयर्स के शोज कर रहे होते हैं, तो एक फिल्म बेहतरीन नहीं, बड़े डिफरेंट अंदाज में ऐसे में बीच में लेट जाते हैं। और भाई करा के हंस रहे होते हैं, ये बताएं मुझे कि आप जरा चुप रहे, आप बताएं ये जो लगता है कि ऊपर को कहां को सवाल कर रहे हैं और सर झगड़ा करवा के खुश हो रहे होते हैं। इतना लेट जाता हूं मैं, देखो बड़े मजे ले रहे होते ना। कैसा रहा वैसे कामरान साहब तजुर्बा? सर बड़ा मज़ा आया इसमें। एक तो जो जिन लोगों के साथ काम कर रहा था उनके साथ, उनको मैंने बड़ा एंजॉय किया। शुरू शुरू में जो अवलीन इसमें जैसे कहते हैं बानियान है इस फिल्म के, उनमें सुहेल अहमद साहब है जी। और ये इनकी वजह से असल में ये फिल्म बनी, आप हैरान होंगे, इनको भी शायद नहीं पता। अच्छा। हुआ ये कि मैंने भुट्टो साहब के ऊपर एक डॉक्यू ड्रामा बनाया शामी साहब, वो था कुछ 4-5 एपिसोड्स का, उसमें कवि साहब भी मौजूद थे या बख्तियार उसके रोल में, वकील के रोल भुट्टो साहब के। तो सुहेल साहब मुझे एक दिन मिले दुनिया न्यूज़ नीचे, कहते यार वो कवि साहब आपके डायलॉग्स की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं कह चूँकि मेहरबानी अगर कर रहे थे तो, यही बात इन्होंने मियाँ आमिर साहब को बता दी। तो मियाँ साहब ने मुझे कहा कि जनाब आप सुना, आपने बड़े ज़बरदस्त डायलॉग लिखे किसी ड्रामे के। मैं कहा सर भुट्टो साहब पर एक डॉक्यू ड्रामा बना रहा हूँ, दुनिया न्यूज़ पर चलाना है। तो मियाँ साहब कहते जी ये तो अब ज़माना जो है वो 26-26 एपिसोड्स के ड्रामों का है, तो हमारा तो वैसे भी पॉलिटिकल चैनल है, आप बनाए हम उस पर चलाएंगे दुनिया न्यूज़ पे। यहाँ सफ़र शुरू हुआ, सुहेल साहब ने कवि साहब की तारीफ सुनी मेरे डायलॉग्स के हवाले से, इन्होंने मियाँ साहब को बताई, उन्होंने आगे से भी 26 एपिसोड्स पे डाल दिया मियाँ साहब ने। वो 26 के जो थे वो 56 बने, 56 के 100 बन के साइड पे होकर उसके बाद फिल्म बन गई। ये अगर शॉर्टकट वे में बताया जाए ना, तो सुहेल साहब, कवि साहब और मियां आमिर साहब जो है ना, इनका बहुत बड़ा। अच्छा, इट वाज नॉट प्लान्ड? यानी कोई प्लान नहीं? नॉट प्लान्ड नहीं नहीं, ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने डायलॉग बहुत अच्छे लिखे, बहुत अच्छे डायलॉग लिखे। अब फिल्म के हवाले से मैं चूंकि उसका हिस्सा भी हूँ, मगर मैं भी ये नहीं कह सकता कि पूरी फिल्म जो है वो पब्लिक उसको किस तरह रिसीव करेगी। ये फिल्म यही होती है, फिल्म को पब्लिक नहीं बताना होता है, मगर बीइंग एन एक्टर मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतरीन स्क्रिप्ट और बेहतरीन हार्ड वर्क हुआ हुआ है उसमें। अच्छा, मौजू बड़ा सेंसिटिव मौजू है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो 71 का जो वाक्या है
उसको टच किया इन्होंने, मगर जो मेन थीम है वो लव स्टोरी है। लव स्टोरी एक शूट किया इन्होंने जी। मगर उसको उस हादसे के अंदर रख के उसको शूट किया हुआ। वैसे रामी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा ही आप इस तरह की तो आपकी क्या, आपने याद फरमाया। नहीं, आप शफकत फरमाते हैं हम सब पे ही, मेरे जैसे सारे आपको नहीं, आपके दिलेरी से बैठकर इज्जत में। बड़ी जरा बड़ी जरा नवाजी आप। आपको कैसा महसूस हुआ जी, आपने तो फिल्म देखी है। देखिए हकीकत तो ये है कि ये जो मौजू है ना, एक बड़ा एक सेंसिटिव मौजू है जी, जी जिसको इन्होंने टच किया। यानी सकूत ढाका के पस मंजर में एक यानी लव स्टोरी जो है जिस तरह इन्होंने फिल्माई है उसमें तारीख भी आ गई है जी, जी, जी। और हमारी सकाफत भी आ गई है जी, बिल्कुल। और अदब भी आ गया। बहुत अच्छा, बहुत। तो कामरान शाहिद साहब देखे ना, शाहिद साहब के बेटे हैं जी, जी। तो यानी इनके तो यानी देखे इनको बात चीजें तो खून में मिली है ना जी, जी, जी। और बात चीजें इन्होंने खुद डेवलप की हैं जी, मेहनत बड़ी की हुई है। कामरान यानी शाहिद के साथ कामरान लगा दिया। और फरीद साहब आपको बताता चलूं कि ये माशाल्लाह ये कोई इन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं कोई ऐसी तहरीर लिखी, ये इन्होंने एक किताब लिखी हुई है। ये जब इंग्लैंड में पढ़ते थे तो उस वक्त गांधी के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे वहां पे यूनिवर्सिटी में भी रोल ऑफ ऑनर या कुछ मिला था। जी सर, डिस्टिंक्शन मेरी वैसे यूनिवर्सिटी में है। ये एमफिल का थीसिस आपका? जी जी, नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ। वो मेरा डिफरेंट था, ये किताब इंडिपेंडेंट लिखी है, गांधी एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वाह जी, जी जी। तो शामी साहब से अभी आजकल के जो हालात है, वैसे तो हम बात ही करते हैं लेकिन ये एक तरफ से जरा फिल्म की बात आई, सुकूत ढाका की बात आई, मौजूदा सूरत हाल जिस तरह की है, तो आप उसको कैसे देखते हैं आजकल के इस घुटनज़दा माहौल के अंदर ये एक फिल्म का आना और इस फिल्म को जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए हमें तारीख जो है उसको याद करना चाहिए ताकि उससे कुछ सबक हासिल करें। सही, बिल्कुल। तो कहते तो ये है ना कि तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि उससे कोई सबक हासिल नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो चुकी है और हमारे जो सियासी लीडर हैं एक दूसरे से लड़ के जो कुछ कर चुके हैं या जो कुछ उनके साथ हो चुका है, उसके बाद जो आज के लीडर हैं उनके लिए पैगाम होना चाहिए ना ये कि अगर वो उसी तरह लड़ेंगे तो फिर सारे हाथ मलेंगे। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, शेख मुजीब के साथ क्या हुआ, आप देखें जायजा लें। शेख मुजीबुर रहमान को उनकी अपनी फौज ने कत्ल कर दिया कि इंडिया के साथ नीचे लग गए बहुत, ठीक है ना, कि यानी और पूरा खानदान उनका, ये तो जो हसीना है पढ़ने गई, वो तो पढ़ने गई भी थी इसलिए बच गई। अच्छा अच्छा। और लाश जो थी बे गोरो कफन पड़ी रही। तो ये एक सबक हासिल करने की बात है कि हमें अपना मुस्तकबिल जो है, हम देखते ना दिन रात कितने झगड़े हैं, कितनी लड़ाइयां हैं छोटी छोटी बातों पर, मैं तू तू, मैं तू तू। तो ये एक सबक होना चाहिए कि एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ मकालमा करें और पाकिस्तान का हक अदा करें। बहुत अच्छी बात। पाकिस्तानी तो हम सब है ना, तो पाकिस्तान हमसे तकाजा करता है कि हम पाकिस्तानी बनकर रहें और पाकिस्तानी बनकर सोचें। बड़ी अच्छी बात है।